तो आज हम लोग देखने वाले हैं टाइगर किंग बाय कालकी। टाइगर किंग दिया गया है कालकी के जरिए, ठीक है। तो हम लोग इसमें से क्या देखेंगे, एमसीक्यू देखेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप देखेंगे, वेरी शॉर्ट, और इसी के साथ साथ हम लोग का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब ये सब के जरिए ही पॉइंट वाइज देखने के साथ साथ हम लोग का चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, शॉर्ट समरी जिसको कहेंगे, ठीक है। शॉर्ट समरी के साथ साथ हम लोग का एमसीक्यू का भी तैयारी होगा, वेरी शॉर्ट का भी होगा, वेरी शॉर्ट टाइप का भी होगा, ठीक है। तो टाइगर किंग इज अ सटायर ऑन अ कंसिस्ट ऑफ दोज इन पावर। टाइगर किंग एक व्यंग है जो कि किस पर है, जैसे कि जो पावर में होता है उसी का बोलबाला होता है, ठीक है। तो ये जो पावर में है टाइगर किंग, उसी का जो बोलबाला है उस पर बेस्ड है, ठीक है। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम वॉज नोन एज द टाइगर किंग ड्यू टू हिज स्किल ऑफ किलिंग टाइगर्स। प्रतिबंधपुरम का जो महाराजा था उसे टाइगर किंग के नाम से जाना जाता था, क्यों, क्योंकि उसे टाइगर मारने की जो उसकी क्षमता थी, शक्ति थी, जिसके कारण, ठीक है। टाइगर किंग हैड वॉट टू किल 100 टाइगर ओनली टू डिसअप्रूव द पोरफेरी ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर। टाइगर किंग इसमें दिखाया गया है, ठीक है, 100 टाइगर को मारता है सिर्फ ये प्रूव करने के लिए, डिसअप्रूव करने के लिए, ठीक है, कि जो पोरफेरी, जो भविष्यवाणी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी ने जो भविष्यवाणी करी होती है उसको सिर्फ और सिर्फ डिसअप्रूव करने के लिए वो दिखाता है कि 100 टाइगर मारेगा, ठीक है। इन द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी द राइटर कालकी वॉन्ट्स टू रिवेल अ मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस दैट इफ एनी वन वॉन्ट्स टू मीट विद द टाइगर किंग अ मैन ऑफ हिज इंडोमिटेबल करेज फेस टू फेस देन हिज डिजायर विल नॉट बी फुलफिल्ड बिकॉज द टाइगर किंग इज डेड। स्टोरी के शुरुआती में जो राइटर है कालकी, वह यह बहुत ही बड़ा मैटर को यह दिखा देना चाहते हैं, ठीक है, कि अगर यदि किसी की चाहत हुई टाइगर किंग से मिलने की तो वो कभी भी फुलफिल नहीं हो सकता है। फेस टू फेस अगर देखने की चाहत हुई तो कभी पूरी तरह से पूरी नहीं हो सकती है, क्यों, तो क्योंकि टाइगर किंग अब नहीं है, मर चुका है, ठीक है। द एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट दैट द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर, हीरो ऑफ हीरोज, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, बट वन डे ही वुड हैव टू डाई। एस्ट्रोलॉजर ये प्रिडिक्ट करता है, ये पहले से ही पता कर बोल देता है, ठीक है, पहले ही बोल देता है कि ये जो बच्चा है वो बड़ा होकर क्या बनेगा, योद्धा का योद्धा बनेगा, ठीक है, नायक का भी नायक बनेगा और चैंपियन का भी चैंपियन बनेगा, मतलब खिलाड़ी का भी खिलाड़ी बनेगा, योद्धा का भी योद्धा बनेगा और नायक का भी नायक बनेगा, बट लेकिन एक दिन इसे मरना होगा, बट ही वुड हैव टू डाई। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट दैट प्रिंस वॉज बॉर्न इन आवर ऑफ बुल। आवर ऑफ बुल किसमें, तो आवर ऑफ बुल में द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, देयरफॉर हिज डेथ विल कम फ्रॉम अ टाइगर। जो चीफ एस्ट्रोलॉजर होता है, जो मुख्य ज्योतिषी होता है, वो प्रिडिक्ट कर देता है, ये बता देता है पहले से कि ये जो प्रिंस है, ये जो राजा है, ठीक है, वो आवर ऑफ बुल, बुल के समय में पैदा हुआ है, ठीक है, बुल नक्षत्र में पैदा हुआ है, और द बुल एंड द टाइगर, और जो सांड और जो बाघ है वो दोनों ही आपस में इनिमीज हैं, दुश्मन हैं, ठीक है। देयरफॉर इसलिए जो इसकी मृत्यु होगी, डेथ होगी, विल कम फ्रॉम अ टाइगर, किससे होगी, तो टाइगर से होगी। वन द टाइगर किंग वॉज ओनली 10 days ओल्ड अ ग्रेट मिराकल टू प्लेस एन एस्टोनॉसिंग फ्रेज ओ वाइज प्रॉफिट्स इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स। जब प्रिंस 10 दिनों का था, बहुत ही बड़ा चमत्कार होता है, जब प्रिंस 10 दिनों का था बहुत बड़ा चमत्कार होता है, वो चमत्कार क्या होता है, एक आश्चर्यचकित कर देने वाला चमत्कार होता है, ठीक है। वो बच्चा जो था, प्रिंस जो था 10 दिनों का था, उसके मुंह से क्या निकलता है, ओ वाइज प्रॉफिट्स, उसके मुंह से यह शब्द निकलता है, यह वर्ड्स निकलता है, यह सेंटेंस निकलता है, ओ वाइज प्रॉफिट्स, ठीक है, इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स, ठीक है। द टाइगर किंग वॉज ब्रॉट अप इन अ परफेक्ट इंग्लिश स्टाइल। जो टाइगर किंग जो है, ये प्रिंस जो है, वो बड़ा होता है परफेक्ट इंग्लिश स्टाइल में, किस में, तो परफेक्ट इंग्लिश स्टाइल में। परफेक्ट इंग्लिश स्टाइल कहने का मतलब है, अगर बुक्स भी पढ़ी तो इंग्लिश में, ठीक है, बुक्स भी पढ़ी तो इंग्लिश में, मूवी भी देखा तो इंग्लिश में, मिल्क भी पीता है तो इंग्लिश काउ का पीता है, ठीक है, इसकी जो मैड भी होती है वो भी सब इंग्लिश में, हर एक चीज इसका इंग्लिश में ही होता है, इसलिए बोला है कि जो टाइगर किंग वॉज ब्रॉट अप इन अ परफेक्ट इंग्लिश स्टाइल, ठीक है। द टाइगर किंग बिकेम्स महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम एट द एज ऑफ 20 years, ठीक है। महाराजा जो प्रतिबंधपुरम का जो टाइगर किंग है वो बनता है महाराजा कब, तो एट द एज ऑफ 20 years, 20 साल की उम्र में महाराजा बन जाता है
अपने राज्य का. द स्टेट विच वॉज अंडर द कोर्ट ऑफ द वॉर्स कम इन टू हिज हैंड्स. अब पूरा का पूरा साम्राज्य इसके हाथ में आ जाता है. कब? तो 20 साल की उम्र में. द टाइगर किंग जस्टिफाइड हिज हंटिंग ऑफ टाइगर बाय एन ओल्ड प्रोवर्ब. ठीक है, साबित करता है या व्याख्यात करता है. ठीक है ठीक है ठीक है. टाइगर किंग जो है अपने आप को दिखाता है, बोलता है. क्या बोलता है वो देखो, ओल्ड प्रोवर्ब से साबित करता है. यू मे किल इवन अ काव इन अ सेल्फ डिफेंस. अपने बचाव के लिए तुम काई को मारते हो. देयर कुड सर्टेनली बी अ नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन अ सेल्फ डिफेंस. अगर हम अपने बचाव के लिए गाय को मार सकते हैं तो इस कोई बुराई नहीं है कि हम अपने बचाव के लिए टाइगर को भी मारे. तो इस व्यंग इस शब्द से, इस प्रोवर्ब से ये टाइगर किंग जो है वो जस्टिफाइड करता है हंटिंग ऑफ टाइगर को. ठीक है, अगर आप पूछे तो यहाँ से आप लिख सकते हैं पूरा का पूरा ये. द महाराजा थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर इवन ए किल्ड द फर्स्ट टाइगर. महाराजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है जब वह पहली टाइगर को मार देता है. ठीक है, पहला टाइगर जब मारता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है. द स्टेट एस्ट्रोलॉजर टोल्ड, उसका जो राज्य का एस्ट्रोलॉजर था, जो ज्योतिषी था, वो कहता है, योर मेजेस्टी महाराज मे किल 99 टाइगर्स एग्जैक्टली इन द सेम मैनर. महाराज आप 99 टाइगर्स ठीक उसी प्रकार मार लेंगे जैसा कि पहले मारा है. बट यू शुड बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर. लेकिन आपको चौकन्ना रहना होगा अब 100वें टाइगर से. इन ब्रीफ, अगर शॉर्ट में कहें तो द स्टेट एस्ट्रोलॉजर जो राज्य का ज्योतिषी था वो कहता है, टोल्ड दैट द 100 टाइगर विल किल द महाराजा. कहता है कि जो 100वां बाघ होगा वो आपको मार देगा. व्हेन द महाराजा वांटेड टू नो द रिएक्शन ऑफ द स्टेट एस्ट्रोलॉजर. व्हेन द महाराजा वांटेड टू नो द रिएक्शन ऑफ द स्टेट एस्ट्रोलॉजर आफ्टर किल द 100 टाइगर्स, ही टोल्ड दैट ही वुड गिव अप एस्ट्रोलॉजर फॉर एवर. कहता है कि जब मैं 100 टाइगर मार लूंगा, ठीक है, तो क्या होगा. तो भाई ये ज्योतिषी कहता है कि महाराज अगर आप 100 टाइगर मार लेते हो तो मैं अपना पूरी की पूरी ज्योतिषी हमेशा के लिए छोड़ दूंगा और मेरे जो पोथी पत्रा है उसमें हम आग लगा देंगे. मेरी जो चुटिया है उसे मैं काट लूंगा. मेरे जो लंबे लंबे बाल है उसे भी मैं छोटा करा लूंगा और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा. क्या बन जाऊंगा? इंश्योरेंस एजेंट. ठीक है, और मैं फॉर एवर हमेशा के लिए एस्ट्रोलॉजी छोड़ दूंगा. द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाई एनी वन एक्सेप्ट द महाराजा. पूरा का पूरा राज्य में जो था वो हंटिंग पर रोक लगा दिया गया था. टाइगर को मारने पर रोक लगा दिया गया था. सिर्फ और सिर्फ मार सकता है तो महाराजा मार सकता है. अ प्रोक्लेमिनेशन वॉज इशूड दैट इफ एनी वन डेयर टू फेलिंग इवन अ स्टोन एट अ टाइगर ऑल हिज वेल्थ एंड द प्रॉपर्टी वुड बी कन्फिस्टिकेटेड और सीज्ड. एक हाँक या डांक पिटवा दिया गया था, ये बोल या बात फैला दिया गया था, ठीक है, कि कोई भी एक पत्थर मारने की भी हिम्मत नहीं करेगा टाइगर को. और अगर कोई ऐसा करता है तो उसका सारा का सारा प्रॉपर्टी को हम सीज्ड कर लेंगे और उसे जेल भेज देंगे. द महाराजा वुड अटेंड ऑल द अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग 100 टाइगर. महाराजा को कुछ भी नहीं दिखता है अपने, वो सिर्फ और सिर्फ टाइगर को मारना चाहता है. अपने 100 टाइगर को मारता है, उसके बाद जितने भी मैटर्स होते हैं राज्य के वो किसी कोई भी मैटर को अटेंड नहीं करता है. बोलता है कि मैं इन सारे मैटर को अपने जब तक 100 टाइगर नहीं मार लूंगा तब तक नहीं देखूंगा. अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम फॉर हंटिंग टाइगर. ठीक है, एक बड़े ओहदे का ब्रिटिश ऑफिसर प्रतिबंधपुरम पहुंचता है. तो क्या करने के लिए पहुंचता है? हंटिंग टाइगर के लिए, मारने के लिए, टाइगर मारने के लिए पहुंचता है. ठीक है, ही वॉज वेरी फाउंड ऑफ अ हंटिंग टाइगर्स एंड अ फाउंडर बींग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर ही हैड शूट विद द महाराजा रिफ्यूज्ड हिम टू डू सो. ठीक है, उसके बाद वो बहुत ही शौकीन होता है हंटिंग टाइगर का. ठीक है, टाइगर मारने का बहुत ही शौकीन होता है और उससे भी ज़्यादा शौकीन होता है कि भाई हम जो टाइगर को मारे हैं उसके साथ फोटो तो जरूर लेंगे. ठीक है, तो विद द टाइगर ही हैड शूट, उसके साथ फोटो लेंगे. बट लेकिन जो महाराजा है वो ऐसा करने से मना कर देता है. रिफ्यूज हिम टू डू सो, ये करने के लिए मना कर देता है. कौन? महाराजा, टाइगर किंग. द
महाराजा मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम बाय प्लीजिंग द वाइफ ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर विच वॉज अब्रॉड फ्रॉम अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ अ ज्वेलर्स इन कलकत्ता। अपने किंगडम को, अपने राज्य को, अपने साम्राज्य को महाराजा बचा लेता है, तो कैसे? तो ब्रिटिश ऑफिसर को खुश करके ज्वेलरी भेजता है कलकत्ता से, ठीक है, ब्रिटिश कंपनी है ज्वेलर्स का, कलकत्ता में था, वहां से भेजता है। द महाराजा हैड टू लूज 3 lakh rupees बट ही मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम। महाराजा इस दौरान 3 lakh rupees गंवाता है, लेकिन अपने किंगडम, अपने साम्राज्य को बचा लेता है। महाराजा करता क्या है ऐसे में जो 3 lakh चला गया? तो भैया महाराजा क्या करता है ना कि 50 expensive diamonds की रिंग्स को भेजता है टू दी वाइफ ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर विच वॉज ब्राउट फ्रॉम अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ज्वेलर्स इन अ कलकत्ता। कहाँ? कलकत्ता में। तो महाराजा भेजता है कितनी? 50 diamonds की अंगूठियां भेजता है किसको? द ब्रिटिशर ऑफिसर की वाइफ को भेजता है, ठीक है, जो कि लाए जाते हैं वो सारे के सारे 50 50 diamonds एक्सपेंसिव डायमंड्स रिंग्स को कहाँ से लाए जाते हैं? तो ब्रिटिश कंपनी होता है ज्वेलर्स का, कहाँ पर? कलकत्ता में, वहां से, ठीक है। विदिन 10 years द महाराजा किल्ड 70 tigers 70 दिनों में, सॉरी 10 days में, ओहो, विदिन 10 years द महाराजा किल्ड 70 tigers, ठीक है, 10 साल की उम्र तक, मतलब 20 की उम्र में महाराजा बना, ठीक है, 20 की उम्र में क्या बना? महाराजा बना, ठीक है, और इधर 10, मतलब कि 30 साल की उम्र में, ठीक है, 20 प्लस 10, अब 10 उसको साम्राज्य को अपने शरण में लिए हुए 10 साल हो चुका है, तो ठीक है, विदिन 10 ईयर के अंदर 10 साल के अंतराल में महाराजा ने 70 tigers को मार देता है। कितना? 70 tigers। आफ्टर किलिंग 70 tigers एन अनफोर्सीन हर्डल कम इन द महाराजा मिशंस of hunting tigers because the tiger population became extinct in the forest of the Pratibandhapuram. अब 70 tigers मारने के बाद एक अनदेखा हर्डल, समस्या आ जाता है महाराज के मिशन में। महाराज का मिशन क्या था? हंटिंग टाइगर ना, 100 tigers, तो उसमें एक दुविधा आ जाती है, और वो दुविधा यह होती है कि प्रतिबंधपुरम का जितना जंगल था उसमें से सारे के सारे टाइगर विलुप्त हो जाते हैं। सॉरी, तो क्या हर्डल आता है कि जितने भी टाइगर्स थे वो महाराजा के फॉरेस्ट से विलुप्त हो जाते हैं, ठीक है, 70 tigers मारने के बाद। अब टू गेट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर टू किल द महाराजा डिसाइडेड टू गेट मैरिड विद द प्रिंसेस ऑफ द स्टेट हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ अ टाइगर पॉपुलेशन, ठीक है। अब जब 70 tigers मारने के बाद उसके राज्य से पूरी की पूरी टाइगर खत्म हो चुकी है, तो अब जो है राजा ये डिसीजन लेता है, ये डिसाइड करता है कि अब मैं शादी करूंगा, लेकिन शादी किससे करूंगा? शादी उससे करूंगा, उस प्रिंसेस से करूंगा, उस लड़की से करूंगा जिसके राज्य में बहुत अधिक मात्रा में क्या हो? टाइगर पॉपुलेशन हो, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां जाकर वो टाइगर मार सके। तो महाराजा किल्ड 5 or 6 tigers ईच टाइम व्हेन ही विजिटेड हिज फादर इन लॉस किंगडम। तो महाराजा क्या करता कि जब कभी भी जाता अपने ससुराल, तो 5 or 6 tigers को मार ही देता। तो 99 tiger स्किन वॉज एडॉर्न्ड इन द रिसेप्शन हॉल ऑफ द प्रतिबंधपुरम पैलेस, ठीक है। प्रतिबंधपुरम का जो रिसेप्शन हॉल था, ठीक है, वहां पर 99 tigers का स्किन को ऐसा लटका दिया गया, पहले दृश्य दिखाया जाता था। After killing 99 tigers, the tiger population became extinct even in the forest of his father-in-law's kingdom. So the Maharaja exactly reached at the fever pitch and he was sunk in a gloom. अब भाई यहाँ भी समस्या आ गया। 99 exactly 99 tiger मार लिया है, उसके बाद जो उसका ससुराल था, उसका father-in-law का जो kingdom था, राज्य था, साम्राज्य था, उसमें से भी विलुप्त हो गया सारा का सारा tiger, खत्म, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? तो ये बहुत ही चिंता का विषय हो जाता है महाराजा के लिए, ठीक है, टाइगर किंग के लिए, बहुत ही महाराजा के लिए एकदम उसका बुखार उसके सर पे चढ़ जाता है, ठीक है, इतना ज्यादा टेंशन हो जाता है। द दीवान मैनेज्ड द 100 tigers फॉर द महाराज फ्रॉम पीपल्स पार्क इन मद्रास। अब दीवान जो था, महाराजा का जो दीवान था, वो अरेंज्ड करता है, मैनेज करता है 100 tiger को, किसको? 100 tiger को मैनेज करता है।
किसके लिए? तो महाराजा के लिए। कहां से? तो पीपल्स पार्क इन मद्रास। पीपल पार्क इन मद्रास कहां से? तो पीपल पार्क इन मद्रास। नथिंग वुड हैपन टू बी द एस्ट्रोलॉजर बिकॉज ही हैड डाइड बिफोर द महाराजा किलिंग ऑफ द 100 टाइगर। कुछ नहीं होता है एस्ट्रोलॉजर के साथ, वो ज्योतिषी के साथ कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ज्योतिषी का ऐसा बोला था ना पहले कि भाई ज्योतिषी अगर मैं 100 टाइगर मार दूं तो बोलो तुम क्या करोगे। तो ज्योतिषी बोलता है कि भाई मतलब महाराजा आप अगर 100 टाइगर मार लेते हैं तो मैं अपनी चुटिया कटवा लूंगा, अपना जितना भी पोथी पत्रा है उसमें सारा आग लगा दूंगा और मैं एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा है यहाँ नथिंग वुड हैपन टू बी द एस्ट्रोलॉजर, कुछ भी नहीं होता है एस्ट्रोलॉजर के साथ, क्यों? तो बिकॉज ही हैड डाइड बिफोर द महाराजाज किलिंग ऑफ द 100 टाइगर। जब तक 100 टाइगर महाराजा मारे उससे पहले ही वो एस्ट्रोलॉजर ऊपर चल बसा। द महाराजा ओवरकम विद द एलेशन और जॉय आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर। अब बड़ा खुशी के साथ 100 टाइगर जब मारा तो बहुत ही खुशी और हर्षोल्लास के साथ अपना राज्य आ रहा होता है। द 100 टाइगर्स वॉज एग्जैक्टली नॉट किल्ड बाय द महाराजा। लेकिन जो 100वां टाइगर था वो एग्जैक्टली नहीं मारा गया था महाराजा से। क्या? दैट वॉज किल्ड बाई वन ऑफ हिज वॉरियर। और वो मारा गया था, जो 100 टाइगर था वो मारा गया था वन ऑफ हिज हंटर्स से, ठीक है, उसी का एक आदमी मारा था। ऑन द ओकेजन ऑफ द थर्ड बर्थडे ऑफ हिज सन द महाराजा बाउट अ वुडन टॉय फ्रॉम अ टॉय शॉप। त्यौहार आता है, त्यौहार क्या? उसका बर्थडे आता है, महाराजा का बर्थडे, महाराजा का बेटा का बर्थडे आता है, तीसरा जन्मदिन होता है, कितना? थर्ड जन्मदिन, थर्ड बर्थडे होता है और महाराजा उसके लिए गिफ्ट लाता है। तो गिफ्ट में क्या होता है? वुडन टॉय टाइगर होता है, लकड़ी का बाघ होता है, ठीक है। और उसको लाता है कहाँ से? टॉय शॉप से, ठीक है। द वुडन टॉय टाइगर वॉज कर्व बाई एन अनस्किल। और जो वुडन, जो ये जो खिलौना टाइगर होता है, लकड़ी का जो खिलौना टाइगर होता है, उसको बनाया जाता है अनस्किल्ड कारपेंटर से। उसको कौन बनाया रहता है? अनस्किल्ड कारपेंटर, जो नौसिखिया कारपेंटर होता है, ठीक है, नौसिखिया कारपेंटर होता है, उससे बनाया जाता है बढ़ी से, ठीक है। वन ऑफ द सिल्वर प्राइज, देखो नौसिखिया बनाया है तो भाई अच्छे से उसको प्लेन नहीं किया होगा ना, नौसिखिया तो ज़्यादा मेरा तो गलती होगा, तो उससे एक कांटा निकला हुआ रहता है, लकड़ी का एक निकला होता है, जैसे बांस में निकल जाता है ना, उसी तरह से इसमें भी निकला रहता है, ठीक है। वन ऑफ द सिल्वर प्राइज इन टू द महाराजा राइट हैंड, और वही सा एक टुकड़ा महाराजा के राइट हैंड में चुभ जाता है, ठीक है। थ्री फेमस सर्जन केम फ्रॉम द मद्रास एंड डिसाइडेड टू ऑपरेट। तीन सर्जन को बुलाया जाता है, कहाँ से? तो मद्रास से, ये भी याद रखना है। तीन सर्जन आते हैं मद्रास से, ठीक है, और उसे ऑपरेट करते हैं। द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल एज पर द ओपिनियन ऑफ द सर्जन बट द महाराजा वॉज डाइड। सर्जन के ओपिनियन से सक्सेसफुल रहा ऑपरेशन, लेकिन महाराजा क्या हुआ? मर गया। फाइनली द महाराजा वॉज किल्ड बाय द 100 टाइगर विच caused a fatal infection in his right hand। तो फाइनली अंतिम में हम यह कहते हैं कि जो टाइगर किंग, जो महाराजा था, वो मरता है किससे? तो टाइगर 100 टाइगर से मरता है, 100 टाइगर से मरता है। तो कैसे मरता है? जो फाइटल बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन करवा देता है उसके हाथ से, और इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है जिसके कारण ऑपरेशन करना पड़ता है, ऑपरेशन करना पड़ता है, तो उस दौरान उसकी मौत हो जाती है। द पोरिफेरी ऑफ द एस्ट्रोलॉजर वॉज नॉट इन डिस्प्यूटेबल। यहाँ डिस्प्यूटेबली एल छूट गया है, ठीक है, इसका स्पेलिंग डिस्प्यूटेबल, ऐसा चैलेंज जो कभी ना किया जा सके, डिसअप्रूव, ठीक है, तो इसे डिसअप्रूव्ड करता है। द पोरफेरी ऑफ द एस्ट्रोलॉजर वॉज नॉट इन डिसअप्रूव, मतलब ये गलत साबित नहीं हुआ, जो एस्ट्रोलॉजर का जो ये था, भविष्यवाणी था, वो कभी मतलब प्रूव गलत नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि देखो 100वां टाइगर से ये महाराजा मर गया, ठीक है, तो जो प्रोफेरी था एस्ट्रोलॉजर का वो गलत नहीं होता है, ठीक है। ये चैप्टर यहीं एंड होता है। थैंक यू।